क्या मिचेल स्टार्क रिटायरमेंट लेने वाले हैं? मिचेल स्टार्क अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर का मैच और केकेआर ये वाला मैच जीत लिए और इसी के साथ केकेआर बन चुके 2024 की फाइनलिस्ट। और कल फाइनल मैच में केकेआर की तरफ से मिचेल स्टार्क ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी चटकाए थे जिसकी वजह से मिचेल स्टार्क को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और जब मिचेल स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि आई एम क्लोज टू एंड ऑफ माई करियर, वन फॉर्मेट में ड्रॉप ऑफ, आई एंजॉयड माई टाइम इन द आईपीएल एंड लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू नेक्स्ट ईयर पॉसिबल इन पर्पल एंड गोल्ड। बेसिकली मिचेल स्टार्क कह रहे कि मैं मेरे करियर के आखिर में और मैं एक फॉर्मेट को ड्रॉप भी कर सकता हूँ और मैं मेरा बाकी बचा हुआ टाइम आईपीएल के साथ एंजॉय करना चाहूंगा एंड आई एम कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर पॉसिबली इन पर्पल एंड गोल्ड। यानी कि वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं केकेआर के साथ ही नेक्स्ट ईयर खेलना चाहूंगा। तो गाइस आप सभी को क्या लगता है, नेक्स्ट ईयर से मिचेल स्टार्क हमें कंटिन्यूअसली आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट में जाकर जरूर से बता देना।